जय हिंद साथियों, अभी यहाँ पे आप लोग चार इमेज देख रहे हैं। एक तरह से पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। अभी देखिए क्या हो रहा है, पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, भाव कैसे चेंज हो रहा है। और अगर एक एक इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप जो जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है उसके माध्यम से अभी अगर देखेंगे तो देखिए ये कोविड-19 है। मोदी जी रिमोट उठा के इसको बढ़ा दे रहे हैं। फिर दूसरा आया फ्यूल प्राइस हाई, फिर बढ़ा देते हैं। फिर तीसरा आया इकोनॉमी डाउन, फिर उठा के बढ़ा देते हैं। फिर अभी देखिए इस रिमोट से इधर अल्ट्रा ये निकल रहा है, मतलब कि यहाँ चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैनल लगाते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। अब मोदी जी रुक जाते हैं, बटन नहीं दबाते हैं और आसानी से आराम से अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हाव भाव और यहाँ पे देखिए। तो मेन यहाँ पे चीज़ें ये बताई जा रही हैं इस कार्टून के माध्यम से कि जो गवर्नमेंट है वो ना तो कोविड पे बात करना चाहती है, ना फ्यूल प्राइस जो हाइक हो रहे हैं उस पर बात करना चाहती है, ना इकोनॉमी जो क्रैश हो रही है उस पर बात करना चाहती है। गवर्नमेंट कौन से मुद्दे को निकाल के लेके आई है जिसकी अभी बात होनी ही नहीं चाहिए थी, जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए थी। लेकिन जितना ज़रूरी आज कोविड-19 से जो लोग नहीं रह गए उनको कंपनसेशन देना है, उसके अगर तुलना में उसके समान अगर देखा जाए तो ये हो सकता है साथ साथ आप कर सकते हैं दोनों। बहुत बड़ी मशीनरी, बहुत बड़ा सिस्टम है और फिर फ्यूल प्राइस है, इसको भी कम कर सकते थे। इकोनॉमी है उस पर कुछ काम कर सकते थे। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर पे फोकस इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये तीन चीज़ मैनेज करने में टाइम लगे और इधर इसमें कम टाइम लगे और एक तरह से कुछ चीज़ें बचाई जा सकें। तो ये भी सही है, बात होनी चाहिए, लेकिन ये तीनों चीज़ें मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वही इस कार्टून के माध्यम से सुरेंद्र जी ने दिखाया है कि कैसे कैसे ये चार चीज़ें बदल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।